और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त जलंधर में मौजूद है। आइए सीधा रुख करते हैं। ईमानदार सरकार आ गई, इसलिए लोगों को सहूलियतें मिलने लग गई। मेरे को अभी कैलाश गहलोत जी बता रहे थे, आज जो बसें जा रही हैं उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीएमआर वालों ने भी वहां पे स्वागत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। आज पहला दिन है तो उनका भव्य स्वागत वहां एयरपोर्ट के ऊपर भी किया जाएगा। और जैसे ही ये बसें दिल्ली में एंटर करेंगी तो दिल्ली सरकार की एनफोर्समेंट की टीम भी इनके साथ साथ चलेगी, इनकी हिफाजत के लिए इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 16 मार्च को भगवान जी ने शपथ ली थी, आज 15 जून है, पूरे 3 महीने हो गए। चुनाव के बाद ये मेरा पहला पंजाब का दौरा है, तो मेरी आज इच्छा है कि मैं और कई सारी बातें करना चाहता हूं। इसके लिए तो सभी पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई कि आज पंजाब से ये बसें शुरू हो रही हैं। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर जितनी तेजी से और जितने व्यापक, जितने कठोर निर्णय लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता 70 साल के अंदर कभी भी इस किस्म के निर्णय पंजाब के अंदर लिए गए हैं। जितना कड़क, जितना ठोस प्रहार, अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर हुआ है पंजाब के अंदर पिछले 3 महीने में, उतना शायद पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ इस तरह का अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर। कई कदम उठाए गए, भ्रष्टाचार की एक्शन टेलीफोन लाइन शुरू की गई, एंटी करप्शन एक्शन लाइन, कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे, रिश्वत मांगे, मना मत करना, उसकी फोटो निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमें भेज देना। मुझे बताया गया कि नीचे के दफ्तरों के अंदर भ्रष्टाचार बंद हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? नीचे के दफ्तरों के अंदर आम आदमी के लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता था वो भ्रष्टाचार बंद हो गया। अगर हम बेईमान होते, हमने ये कैसे कर दिया? क्योंकि आज एक कट्टर ईमानदार सरकार है और ऐसी सरकार है जो कठोर निर्णय लेने से घबराती नहीं है। 2 मिनट के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, कठोर से कठोर निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम बेईमान होते तो हम क्या करते? नीचे वालों को बोलते, हर दफ्तर का हफ्ता बांध देते। ऐसे होता था ना पहले, नीचे से तहसीलदार के स्तर पे पैसा चलता है, ऊपर चलते 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 मुख्यमंत्री तक जाया करता था। अब मुख्यमंत्री आपका ईमानदार है, सारे मंत्री ईमानदार है, कोई पैसे लेता नहीं है, कोई बेईमानी करेगा तो जेल जाएगा। तो ऐसे में हमने सारा सिस्टम नीचे ईमानदार कर दिया। दूसरी चीज, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को जेल भेज दे। पहली बार हुआ है, किसी के पास सबूत नहीं था, मीडिया के पास नहीं था, विपक्ष के पास नहीं था, किसी के पास सबूत नहीं था। मान साहब के पास एक रिकॉर्डिंग आई, इन्होंने उसकी इंक्वायरी कराई, पता चला कि एक मंत्री जो है वो गलत काम कर रहा है, आप देखा ना ताव, सीधे पकड़ के उसको जेल के अंदर डाल दिया। भारत के इतिहास के अंदर ऐसा दूसरा कोई हमें कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। सारे महकमों में, सारे अफसरशाही में, सारे एमएलएज में, मंत्रियों में, सब में मैसेज चला गया, संदेश चला गया कि भैया अगर ये सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को जेल भेज सकती है तो सारे सुधर जाओ, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा इस सरकार के।